फ्रंट की लाइट्स चेंज करा दी थी, इसकी हैलोजन्स इसमें थी थोड़ी सी कम लगती थी। ये आप देख सकते हैं टच स्क्रीन लगवाया हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम। माइलेज सर की बात की जाए तो हाईवे का माइलेज तो सच में मेरे को बहुत ज्यादा खुश कर देता है। तो जब से वीडियो बनाना शुरू किया है बस एक ही इच्छा दिल में थी, एक ही तमन्ना थी, कानपुर आऊँ, और कानपुर आ गया हूँ। और ये प्रदीप जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और ये चलाते हैं मैग्नाइट। क्या कपड़े खरीदने गए थे, गाड़ी ले आए, क्या था? सच बताएं सर, कपड़े खरीदने गए थे लेकिन गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि कपड़े बाद में खरीदे, पहले गाड़ी पर बुक कर दी थी सर। तो गाड़ी बुक कर दी और ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, इन्होंने अपना चैनल बना लिया। चैनल बनाया यूट्यूब पे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मिस्टर कार के नाम से मशहूर हो गए हैं पूरा, देखो एकदम चश्मा वश्मा लगा के बुलंद है और कानपुर वाली भाषा में जड़ा गए हैं। कल जड़ा गए हो ना, ठंड बहुत हो रही थी, जड़ाए हो कि नहीं? नहीं ज़्यादा नहीं जड़ा है, थोड़ा सा जड़ाए हैं। और क्या करने वाले हैं, ये अपनी गाड़ी चला चुके हैं काफ़ी कुछ, कितना चला चुके हो अब तक? 14,000 किलोमीटर तक। 14,000 किलोमीटर चला चुके हैं। कौन सा वेरियंट है ये? सेकंड बेस वेरिएंट है, एक्सेल है। एक्सेल है। और इस मैग्नाइट के साथ में इनका क्या अनुभव रहा है, पहली कार के तौर पर इसने इन्हें क्यों मिस्टर कार बना दिया है, आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो रेडी है भाई, सब चले? बिल्कुल सर। अब गाड़ी में बैठ के शेयर करते हैं लोगों से बात। बिल्कुल सर, आइए, आप चलाएंगे भाई साहब, हम तो बैठेंगे। आ जाइए। It's 3 AM. You got me waiting for your love. तो दोस्तों मैं प्रदीप के साथ उनकी इस मैग्नाइट में आ गया हूँ। चलाते रहिए प्रदीप भाई। कानपुर बड़ा अच्छा शहर है, मतलब यहाँ लोग गजब बोलते हैं। तो जगह मिल जाती है चलाने के लिए? हाँ, बहुत आराम से, तो बस थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो ये तुम्हारी पहली कार क्यों बनी? पहली कार एक्चुअली सर फैमिली पर्पज़ से मेरे को गाड़ी लेनी थी, और फैमिली पर्पज़ से गाड़ी हम लोग एक्चुअली मैग्नाइट का तो कोई प्लान ही नहीं था। इसके पहले हम लोग वैगनार देख रहे थे, इवन पापा को बहुत सुना था कि वैगनार, और मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स के बारे में नॉलेज नहीं था। तो वैगनार बेसिकली मतलब था बजट में आ रही थी, बड़ी गाड़ी है, थोड़ी सी बल्कि सी है, तो उसमें ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं। सो वैगनार का पूरा फिक्स था, बट वहाँ पे क्या था, थोड़ा सा लोन का और थोड़ा सा अमाउंट का कुछ इशू हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही गाड़ी कॉस्टली लग रही थी मेरे को वहाँ पे। तो अच्छा, सो इस केस में हम लोग गए हुए थे मार्केट कपड़े खरीदने के लिए, और हुआ क्या था कि गाड़ी लॉन्च हुई थी तो शोरूम निसान का पास में ही था, और वहाँ पे इसका बेस मॉडल देख लिया था, जो कि प्राइस में जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो 5.5 के आसपास तकरीबन था बेस प्राइस। तो वो मतलब एक तो लुक सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगा, फुल SUV वाला लुक वहाँ पे मिला हम लोगों को, और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और अपने बजट में भी आ रही थी। बस यही कुछ कारण थे गाड़ी लेने के लिए। तो डर नहीं लगा कि निसान थोड़ी सी मतलब अभी इतना ज़्यादा? सीरियसली बताएं तो पहले तो कुछ नॉलेज ही नहीं था कि मारुति क्या है, निसान क्या है, कहाँ की कैसा है क्या, मतलब गाड़ी अच्छी लगी इतना ठीक है। और फिर सर्विस वाला मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने बोला था कि सर्विस जो है मतलब कि आपको ये मान के चलिए अगर आप पैकेज लेते 16,000 का तो आप 5 साल के लिए उसमें सर्विस आपकी इंक्लूड रहेगी 16,000 रुपए में, उसके अलावा आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। तो वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। तो अच्छा, तो ले लिया आपने पड़ा? जी बिल्कुल। हाँ, इसमें कुछ काम करवाया आपने गाड़ी? हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाया था, बिकॉज सेकंड बेस वेरिएंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं टच स्क्रीन लगवाया हुआ है इंफोटेनमेंट सिस्टम, बैक कैमरा लगवाया हुआ है, फ्रंट की लाइट्स चेंज करा दी थी, इसकी हैलोजन्स इसमें थी थोड़ी सी कम लगती थी, तो उसको LED बेस में करवा लिया था। तो वो चीज़ है जी। हाँ, तो कितना खर्च किया था ऊपर से? 40-50 हज़ार के आसपास में, और भी थोड़ा लाइटिंग वगैरह, बस ऐसे ही था, मतलब सब कुछ खेला जो चाहते थे। हाँ बिल्कुल। कितना चला ली? 14,000 किलोमीटर। हाँ जी सर, 14,000 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी को चला। कितने में खरीदी थी ये? खरीदी थी 6,92,800 एग्जैक्टली प्राइस थे। बहुत बढ़िया। तो बहुत सही पड़ी थी। अभी कितनी सर्विस वगैरह हो रही है? फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो गई थी पूरी, 10,000 पे। कोई बड़ा काम हुआ? नहीं, कुछ अभी तक बड़ा काम नहीं हुआ, बस एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो इंश्योरेंस पे क्लेम जरूर करवानी पड़ी थी गाड़ी तो। अच्छा, ज्यादा डैमेज हुआ था? हाँ एक्चुअली रास्ते में वो डॉगी आ गया था अचानक से, तो आगे का जो बोनट के नीचे साइड वाला एक्चुअली पोर्शन होता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था। अच्छा, तो वो पूरा टूट गया था बस उतना, बाकी उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। चलो, इजीली मिल गया इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस के मामले में नो डाउट निशान की मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि पर्सनली मतलब उन्होंने एक एक चीज़ को देखा था कि जब आपकी एक्सीडेंट हुआ था और मैं जब उसे लेके गया था तो उसके बाद में गाड़ी को मतलब जब एक तो कम समय में दे दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाया, और प्रॉपर एक एक चीज की नॉलेज वो मेरे को अपडेट करते रहते थे। ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी तब। अच्छा, वहाँ पे पूरा मतलब काम आपका पूरा? काम आपका बहुत अच्छे से होगा जी। तो अभी माइलेज कितना मिल रहा है? सर्विस हो चुकी है 14,000 किलोमीटर के बाद वाला एक्सपीरियंस बताना। माइलेज सर की बात की जाए तो हाईवे का माइलेज तो सच में मेरे को बहुत ज्यादा खुश कर देता है, मतलब इतना खुश कि हम लोग फैमिली के साथ में जाते हैं तो 18 से 20 का माइलेज मिल जाता है पेट्रोल में। अच्छा। हाँ, लेकिन सिटी में थोड़ा सा वहाँ पे कमी महसूस होती है, क्योंकि सिटी में फिर एकदम से डाउन हो जाता है, लाइक 12-13 के आसपास समय आ जाता है। अच्छा, 12-13 में आ जाता है, फिर ठीक है।
हाँ मतलब वैसे ठीक है, बाकी ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं। कंफर्ट के लिहाज से परिवार वाले खुश रहते हैं? कंफर्ट के लिहाज से फैमिली में सभी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। रीजन क्या है, एक तो बड़ी गाड़ी है, अंदर बहुत ही लग्जरी फील होता है। लाइक हम लोग कभी गाड़ी को चलाते हैं तो कभी गड्ढे वगैरह आ जाते हैं, तो कभी सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे हैं। और फैमिली में मम्मी पीछे बैठती हैं तो पापा लोग सब लोग बैठते हैं, तो फैमिली में सब लोग इजिली बैठ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वालिटी की बात करें, आपको लगता है कि सही है, क्वालिटी परफेक्ट मिलती है इसमें? हाँ, क्वालिटी तो आपको जिस प्राइस की बात की जाए तो उस प्राइस में क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। नो डाउट हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है और इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, बट बात ये है कि आप क्या प्राइस पे कर रहे हो। और जिस प्राइस पे मेरे को ये गाड़ी मिली 692,800 में, तो आई थिंक उस प्राइस में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ये सबसे बड़ी चीज है जो मुझे मिली, तो मेरे को सब पूरा फुल जस्टिफाइड लगता है। तो मतलब आपको लगता है कि परफेक्ट है। सेफ्टी की अगर बात करें, जो सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, सेफ्टी फीचर्स जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल एनकैप में इसे 4 रेटिंग स्टार मिला हुआ है। सो बॉडी बिल्ड क्वालिटी तो मतलब बहुत ही बेहतर है। इवन अगर आप कंपेयर करेंगे मारुति से तो फिर आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सेफ्टी वाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो इसमें। परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर कैसा रहता है परफॉर्मेंस, हाईवे सिटी और सब कुछ बम्पर टू बम्पर सब मुझे जानना चाहता हूं। परफॉर्मेंस के तो थोड़ा सा मतलब वहाँ पे गाड़ी कई बार लैग करती है, ये इशू होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि मैंने जब गाड़ी लिया था तो उस टाइम पे लिटरली मेरे को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। इवन मैंने अपनी कार से ही चलाना सीखा है, सबसे बड़ी चीज तो शायद एक बार उसी वजह से एक्सीडेंट भी हुआ था। और लेकिन जब मैं ऑटोमोबाइल्स फील्ड में आया, जब मैंने अपना चैनल खुद का स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग गाड़ियां चलाई, हम लोगों ने ऑनरशिप रिव्यू किया, तो किया सोनेट वेन्यू और अलग जो 1.2 लीटर के इंजन में आती है उन सभी गाड़ियों को चलाया, तो उसमें क्या है कि मेरे को इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा कम लगा, बिकॉज ये 1 लीटर इंजन मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए बम्पर टू बम्पर, तो आपको जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो रिवर्स करने में आती है, बहुत ज्यादा आवाज करेगा एकदम से, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल जान चली जा रही है गाड़ी की। अच्छा हाँ, बाकी लेकिन अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो ये आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी कहीं भी प्रॉब्लम कर रही है। मतलब अगर आपको ओवरटेक करना है आप इजिली आराम से कर सकते हो, भागती बहुत तेज है। इवन मैंने इसे 130-140 तक इजिली चलाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम एक बार मतलब ऐसे बस ट्राई करके देखा था, वो मैं चीज को बता रहा हूँ, तो मतलब वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई थी जरा से भी। मैं तो मकसद है बताना भैया। नहीं नहीं बिल्कुल, हालांकि हमेशा 100 के नीचे ही चलाते हैं, बहुत बढ़िया, उसे माइलेज भी बेटर मिलता है, फैमिली के केबिन इंसुलेशन अच्छा लगता है। हाँ वो चीज बहुत अच्छी लगती है। एसी की कूलिंग, एसी तो इसका मतलब परफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। कुछ लोग बोलते थे स्टीयरिंग फीडबैक में कुछ दिक्कत आ रही, कुछ स्टीयरिंग एक्चुअली थोड़ा सा मेरी गाड़ी में स्टीयरिंग प्रॉब्लम थी जब मैंने पहले गाड़ी ली थी, तो यहाँ पे क्या था कि इवन जितनी भी मतलब पहले साल गाड़ियां लॉन्च हुई थी वो सभी में स्टीयरिंग क्या रिवर्स नहीं आता था। हाँ प्रॉब्लम ये करता था, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करो तो रिवर्स नहीं आता था। लेकिन 2022 में जब गाड़ियां लॉन्च हुई, दोबारा जो अपडेशन हुआ, तो मेरी फैमिली में एक और फ्रेंड मतलब ब्रदर ने गाड़ी ली थी मैग्नाइट, सो वहां पे मतलब उसमें मैंने देखा कि स्टीयरिंग पूरी तरीके से रिवर्स आ रहा है स्टार्ट करने के बाद में तुरंत से, तो मैंने उसे बाद में कंपनी में क्लेम किया, तो कंपनी ने पूरा चेंज किया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं जो स्टीयरिंग है ये पूरी तरीके से बदला हुआ है सर, पूरा मतलब कनेक्शन अच्छे से आ रहा है। हाँ तो ये मतलब अब क्या हो गया, बहुत ही स्मूथ चलता है, बहुत ही लाइट चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें तो। ओके, तो कुल मिला के अब आप बेहद खुश हैं? जी बात की जाए तो खुश की तो अभी कितना बहुत खुश है सर। कितना और चलाओगे? अभी बहुत चलाएंगे, अभी बहुत चलाओगे। ये पहली गाड़ी है तो चलाना ही चलाना है बढ़िया से तब, और बहुत ही ज्यादा मतलब खुश तो बहुत है। एक सेटिस्फेक्शन की अगर बात की जाए तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे आपको मिलता है तब। तो इस कार ने मैग्नाइट ने भैया को मिस्टर कार बना दिया जी। और इस मिस्टर कार की ना मुझे लगता है अभी बहुत कुछ जिंदगी में आना बाकी है, शादी वादी हो जाएगी अब लग रहा है, गाड़ी आ गई तो शादी होगी अब पक्का है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी की होती है, सभी की होती है। तो इनको एक कनपुरिया भैया है, तो यहाँ पर पूरा बुलंद आवाज में अपनी बात रख रहे थे, और जो इन्होंने बताया है ना शायद आप इससे एग्री भी करोगे। अगर आपके पास मैग्नाइट है तो कमेंट करके बताना कि इन्होंने जो जो बोला उस पर कितने सही बता रहे हैं कितना गलत बता रहे हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। बट मेरे कस्टमर रिव्यू में ऑनरशिप एक्सपीरियंस में फिलहाल इतना ही, और मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया है। बिल्कुल आपका भी सर बहुत अच्छा लगा मेरे को पर्सनली, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सच में मतलब मैं काफी लकी फील कर रहा हूँ मैं आपसे मुझे मिलने का मौका मिला। मैं तो खुद मिलने आया हूँ, लकी फील कर रहा हूँ, मुझे मैं लकी फील कर रहा हूँ, मैं तो खुद मिलने आया हूँ तुमसे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में अपना ऑनरशिप रिव्यू करने में, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू। तो ये क्या है कि अगर आप अपनी सोच बुलंद रखते हो, ख्वाहिशें आपकी एकदम हवा में तैर रही होती है, सपने देखते हैं ना पूरा सब कुछ ऊपर जाते हुए नजर आ रहा होता है, तो वहां पर
ऐसी ख्वाहिशें पूरी होती है जहाँ पर जो आप नहीं चाह रहे होते हो जाता है। जैसे कपड़ा खरीदने गए थे, गाड़ी ले आए और गाड़ी ले आए, चैनल बना लिया, चैनल बना लिए, बुलंद हो गए, बुलंद होके मिस्टर कार हो गए। और मिस्टर कार के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा अब आपको बताना है। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टा हैंडल है आपके पास मेरा, पावर ऑन व्हील, आइएगा पूछिएगा और जवाब ले जाइएगा पूरे हक के साथ। थैंक यू भाई। थैंक यू सर।